हाँ दोस्तों, वेलकम आपको मेरे चैनल पे। आपको मैंने एक वीडियो दिया था रेन इंडस्ट्री पे, और रेन इंडस्ट्री में बहुत पॉजिटिव होकर मैं बोला था कि जल्द से जल्द माल उठा लो, सर्किट कभी भी लग सकता है, टारगेट 255 सोन। ये मेरा वीडियो था, बिलीव कीजिए मेरे को। कोई भी ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट का कोई इंटरनल न्यूज रहता है। चार्ट पे जैसा बताता है, चार्ट पे जो शो करता है, और प्राइस वॉल्यूम प्रेशर जो दिखता है, वहां से मैं ये एनालिसिस किया था। और आप आज देखेंगे, ये वीडियो कब का था, ये 4 जनवरी का वीडियो था। अब जा करके देखिए, ये 6 जनवरी को मैंने ये बताया था, और 4 जनवरी का ये लगभग वीडियो 4 जनवरी के आसपास मैंने बनाया था, और ये उस समय फॉल कर रहा था। और आप फॉल करने के बाद देखेंगे तो वो 117 का लो बनाया, और आज सर्किट में है। आज इसने सर्किट में, आज 16 तारीख और सर्किट में क्लोजिंग दिया है। केवल बायर्स है, कोई सेलर नहीं है, ओनली बायर्स इन रेन इंडस्ट्रीज। आप देखेंगे तो बाइंग क्वांटिटी 43.08,000 की है, सेलर कोई भी नहीं है। अब इसमें सिर्फ बाइंग और बाइंग चल रही है, और ये अब 146 तक जाकर के, आपको जो मैंने बोला था 155 यहाँ पे, तो अब एक बार ये ऊपर की ओर जाकर के रुकेगा। और कोई भी, क्योंकि प्राइस एक्शन से जो पता चल रहा था रेन इंडस्ट्री में ना, तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में वो जा चुका था। इसके चलते मैंने आपको बताया था कि एक बार इस पे आप पोजीशन चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुका है। और ये देखिए 26-27 तक लो बना दिया, लो बनाने के 26 तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में था, सिर्फ यही एक रीजन था, और दूसरा इसमें कुछ भी खराबी नहीं था। मैंने आपको बोला था सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पाबंदी लगाई थी, वापस सेंक्शन हो गया था, तो अक्टूबर तक इसके बिजनेस को, जीपीसी को, इसके रॉ मटेरियल जो होता है सीपीसी के लिए, इसका मेन रॉ मटेरियल होता है, और सीपीसी कहा जाता है जो तेल यूनियन में जाता है, तो इसके लिए मैंने बोला था इसका जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, वो सब सारे प्रोसीजर कंप्लीट करते करते इनको अक्टूबर हो चुका था, तो जो दिसंबर वाला भी क्वार्टर रिजल्ट आएगा वो लगभग उतना, उससे अच्छा रहेगा, प्रीवियस क्वार्टर से अच्छा रहेगा, और आगे जो मार्च में आएगा और भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अभी भी मैं ये बताता हूँ, ये भागा नहीं है, ये 147-146 के बाद जाके फिर से एक बार स्टेबिलिटी की क्वेश्चन की बात लगेगी। लेकिन जिसने भी उस दिन पोजीशन बनाई होगी, आप समझिए वहां से आराम से आप 20% तो आराम से गेन लेंगे, 20 से 25% का गेन आपको होने वाला है। आप 117 के लोग के पास 100 लिए हुए, तो वहां से आपको 147 जाएगा, तो आपको बहुत ही फायदा देखने को मिल सकता है। चलिए, पहला टारगेट अभी तो 147 का है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। पहला ये अपने डेमा को तोड़ेगा, तो पहला इसका जो लगता है मोस्ट ऑफली आज की क्लोजिंग दिया है वो 123.65 रुपया, उसके बाद 21 दिन का डेमा 127 रुपया, और फिर 50 डेज का डेमा है 139, तो 150 डेज के डेमा को क्रॉस करके 162 की ओर जाएगा। लेकिन इसको 146.45 पे ये देखेगा ना, ये बार बार यहाँ पे जाता है और यहाँ से फॉल हो रहा है, तो हो सकता है कि एक बार इसको टेस्ट करके फिर फॉल दिखाने की कोशिश करे, जो कि लगभग 50 और 100 डेमा के बीच में है। तो कोई बात नहीं, अगर वहां पे स्ट्रांग सपोर्ट और वॉल्यूम आ गया और कोई भी इसमें पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो वापस ये तोड़ करके आपको वापस 162 और 190 के रेंज में चला जाएगा। आज देखें, आज की बात करें तो वापस उस दिन भी एक पॉजिटिव चीज क्या बताता था, वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखें, ये देखिए एक बार उठा और बस कंटिन्यू खड़ा रहा, क्योंकि सर्किट में था। और वॉल्यूम वेटेड देखें तो इसकी वॉल्यूम वेटेड 123.03 रुपये में क्लोज होनी थी, लेकिन उससे कहीं ऊपर जाकर के 123.65 रुपये पर क्लोजिंग दे रहा है। मीन्स लोग प्राइस देने को तैयार है, जितने प्राइस पे आपको चाहिए उतने प्राइस पे हम लेने को तैयार है। बाइंग सेंटीमेंट 91% है, उससे मत जाइए। डिलीवरी देखिए, डिलीवरी 75% तक बढ़ गए, जो उस समय 60-70% चले थे, 75-72%, 65% एवरेज 67% बढ़ चुका है। उस समय सिर्फ 3 डेज हुआ था उसको बढ़ते हुए, उसके पहले 10-12% दिखा रहा था। आप जाके इस वीडियो में जाकर के पूरी डिटेल देख सकते हैं, और मैंने उसमें लिखा था जल्दी से माल उठा लें, सर्किट कभी भी लग सकता है, टारगेट 255 सून। आज भी मैं उस वीडियो पे कायम हूँ, क्योंकि कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी में पाबंदी लगी थी, बिजनेस प्रोफाइल कोई खराब नहीं है। इसके कारण रेन इंडस्ट्री में मेरा ये वापस केवल आपको अपडेट था कि जो रेन इंडस्ट्री में आपको बताया था, अगर कोई भी इस चैनल पर बिलीव करते होंगे, देखते होंगे, या तो देखिए, आपको 4 तारीख 6 तारीख का बताया हुआ, 16 तारीख है, और आप देखिए आप कैसे यहाँ से अपवर्ड ले रहा है। वहाँ पे भी मैंने बताया था कि वो अभी एक बार नीचे की ओर जाएगा,
117 का लो बना सकता है, लेकिन उसने अभी 114 का लो बनाया है, तो 114 का लो बना करके वापस अपने ऊपर की ओर ले लिया था। तो आज ही देखेंगे, टुडे 117 से सीधा 123 पहुंचा दिया, 5.85 रुपये का गेन है। तो चलिए, जो भी पोजीशन बना के रहे होंगे उनको फायदा देखने को मिल रहा होगा। और अभी जो है इसमें अपडेट यही है कि यह पहले 139 को ट्राई करेगा को तोड़ने के लिए, और 139 के बाद ये जो 147 यहाँ पे सिर्फ अगर ये क्रॉस करता है तो फिर आपको 163, 191 जाना तो इसको ऊपर ही है, तो आप ऊपर ही मान के चले। हाँ, प्राइस पैटर्न क्या होता है, जितना ऊपर पे प्रेशर होगा, कोई बीच में लिए होंगे गिरे फॉल पे, मान लीजिए कोई 200 पे लिया होगा, 200 उसका एवरेज करके 162 आया होगा, तो वो निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कुछ निकलने की कोशिश करेगा, और ऊपर पे 191 पे 200 पे, तो जो निकलेंगे उन पे नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो इसके लिए अब देखेंगे तो आपको देखिए सब चीज आपको अच्छा दिखेगा, चाहे वो आप MACD देख लीजिए, आप जो भी देखिए, ये देखिए कैसे MACD क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, ये देखिए क्रॉस करके अब ऊपर निकला, चूंकि सर्किट में तो क्रॉस तो कर ही जाएगा, कल भी सर्किट में ही इसको जाना है। RSI देखिए कितना अच्छे से 42, जस्ट केवल 42% है, जबकि 70% 72% तक जा सकता है, लेकिन ये जो यहाँ निकल के आ गया था ना, ये जो 27-28% पे आ गया था, ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुका था, और एक बार और भी ये गया था, लेकिन इस बार उतना नीचे नहीं जा करके थोड़ा ऊपर से ही यहाँ से निकल गया। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ चैनल एजुकेशन पर्पज से है, और आप लोग जितना चाहते हैं इसको उतने में अच्छे है, और भी आपको इसमें अपडेट देते रहूँगा। आप केवल शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को भेजिए। अभी रिसेंटली मैंने आपको दिया था, इसके पहले दिया था, अगर आप देखेंगे तो एक ही साथ मैं अपडेट नहीं करना चाहता, लेकिन कल मैंने दिया था आपको छोटे छोटे जो भी दिया था कि स्टॉक ओवरव्यू दिया था, इसमें टाटा स्टील पे कल दिया था, मोटर्स पे दिया था, प्राज पे दिया था, यस बैंक पे दिया था, भारतीय एयरटेल पे कॉशियस था। यस बैंक में बोला था कि अब ये ऊपर की ओर जाएगा, यस बैंक में एक वीडियो भी दिया हुआ है कि 220 की ओर मैं आ रहा हूँ, और 200 ये देखिए यस बैंक पे भी आपको अपडेट दिया हुआ है, यस बैंक में आ रहा हूँ जाने में 220 और फिर 245 के नोट बांटूंगा। तो ये हेडिंग्स ऑलरेडी यस बैंक पे दिया, आज भी यस बैंक ने 208 का ऊपर दिखाया है, तो जाके देख सकते हैं, और पॉजिटिव ही अभी आज भी यस बैंक में पॉजिटिव ही देखने को दिख रहा है। मार्केट गिर रहा है, मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन आप देखिए इसके बावजूद रेन इंडस्ट्री यस बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपका ऐसे ही एडवाइस मिलते रहेंगे, और आप इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, देखते रहिए, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए चैनल है, और कोई चीज़ यहाँ पर हम नहीं रिकमेंड करते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।